हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड आई होप आप सब ठीक होंगे और सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। एंड आई होप आपका फर्स्ट वीक ऑफ न्यू ईयर अच्छे से स्पेंड हुआ होगा। यू हैव स्टार्टेड योर न्यू ईयर ऑन अ गुड नोट एंड रेजोल्यूशंस आपने कुछ बनाए होंगे फॉर शॉर्ट टर्म गोल्स। एंड उसके बारे में इन्फॉर्मेशन के लिए सी माई फर्स्ट व्लॉग। सो इस व्लॉग का थीम है आई एम गोइंग टू द इस्कॉन टेम्पल विद माई फ्रेंड्स, सो आई विल शो यू द ग्लिम्पसेस ऑफ दैट एज वेल। उसके अलावा साथ साथ हम बात करेंगे 5 बिगेस्ट लेसन्स जो मैंने 2021 में सीखे हैं। आई नो इट हैज़ बीन अ टफ ईयर फॉर एवरी वन, बट देर आर स्टिल सम लेसन, सम लर्निंग्स विच वी कैन लाइक एक्सट्रैक्ट अगर हम उसको पॉजिटिव तरीके से थोड़ा सा देखते हैं। सो जस्ट स्टे ट्यून्ड विद मी ऑन दिस स्मॉल जर्नी ऑफ इस्कॉन टेम्पल एंड अ वीक इन अ मेडिकल स्टूडेंट ऑफ यूक्रेन FMG एंड अबाउट द लर्निंग्स विच आई हैव एज अ मेडिकल स्टूडेंट, और जो थोड़ी बहुत बुक्स पढ़ता है, जो थोड़ी बहुत वीडियोज देखता है, उसके परस्पेक्टिव से उसकी क्या लर्निंग्स रही हैं। ऑल्सो यू शेयर योर all the learnings, all your thoughts about 2021 in the comment section below। and अगर नए हो तो सबसे पहले pause करो video को और subscribe करो channel को, और अगर पुराने हो first channel subscribe already कर रखा है तो क्या कर रहे हो यार, please pause करो video को, पहले share करो, like करो अपने दोस्तों को ताकि subscribers बढ़े, ताकि थोड़ा सा motivation आए और मैं ऐसी अच्छी videos आपके लिए बनाता रहूँ। so let's go। डोंट प्रिडिक्ट फ्यूचर। सो गाइस, सबसे पहला लेसन अगर मैं आपको कुछ देना चाहूँगा जो मेरे को मिला इस 2021 के अंदर, कि डोंट ट्राई टू प्रिडिक्ट फ्यूचर। सारे भविष्यवाणियाँ, सारे ज्योतिष सब बकवास है मेरे हिसाब से, बिकॉज कोई फ्यूचर का ऐसा सर्टेनिटी नहीं रही है इस साल के अंदर। और इसने हमें सिखा दिया कि ज़्यादा लंबी फ्यूचर प्लानिंग सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रक्शन करती है और लाइक टेस्ट खराब करती है लाइफ का, बिकॉज लाइफ इज़ ऑल अबाउट अनसर्टेनिटी मेरे हिसाब से। बिकॉज आप रोबोट्स नहीं, आप प्लान बनाते रहो और उसको एग्जीक्यूट करते रहो पॉइंट बाय पॉइंट। बिकॉज जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है जर्नी। आप हर डेस्टिनेशन पे पहुंचोगे, फिर एक नई डेस्टिनेशन बनाओगे, डेस्टिनेशन पे वो मज़ा नहीं आएगा जो उस जर्नी को जीने में आएगा। इसीलिए मेरे को क्या सीखने मिला कि मैंने अगर बहुत लंबा स्टडी प्लान बनाया वो किसी काम का नहीं है, मैंने ट्रैवल प्लान बनाया वो किसी काम का नहीं, मैंने रीडिंग गोल बनाया था कि मैं इतना रीड करूँगा, मेडिटेशन गोल बनाया था, वो सब बुलशिट है, वो सब बकवास है। आप क्योंकि ये नहीं पता कि आप कब घर में हो, कब बाहर हो, कब वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, कब आपकी ऑनलाइन क्लास है, कब ऑफलाइन क्लास है, कोई सर्टेनिटी नहीं है किसी चीज़ की। और लाइफ का असली टेस्ट उसी चीज़ के अंदर है कि उसको थोड़ा सा अनसर्टेन रखा जाए। हाँ, कुछ चीज़ें प्लानिंग ज़रूरी है, लेकिन लॉन्ग टर्म प्लान और खासकर फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना कि 3 महीने बाद तो यही होगा इसलिए मैं ये करूँगा, 6 महीने बाद ये होगा मैं ये करूँगा, पूरे साल भर का प्लान बना लेना और सारी डिटेलिंग कर लेना, सारी प्लानिंग, वो सब बकवास है। इसीलिए मेरे हिसाब से मेरे को जो सबसे बड़ा लेसन मिला कि अब से मैं ज़्यादा लंबे गोल्स नहीं बनाऊंगा। मेरे हिसाब से 40-50 डेज का प्लान मेरे हिसाब से सूट करता है, लेकिन मैं एक 3 मंथ्स का एक मिड टर्म गोल अराउंड अपने दिमाग में लेके चलता हूँ कि मुझे क्या करना है, और प्लानिंग करता हूँ सिर्फ नेक्स्ट 1 वीक, नेक्स्ट 2 वीक्स की ज़्यादा से ज़्यादा। आई होप आपको भी कुछ ऐसा लेसन मिला होगा। आपको और क्या लेसन मिले हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर अपने लेसन, अपने फीडबैक्स भी शेयर करते रहिए और लाइक करते रहिए इस वीडियो को। दोस्तों, ये है यूक्रेन का इस्कॉन टेम्पल, विनिट्सा का इस्कॉन टेम्पल। ऐसा एज सच प्रॉपर टेम्पल नहीं है जो शायद आपने इंडिया में या दिल्ली में देखा होगा, लेकिन हाँ, यहाँ पर भी प्रॉपर पूजा होती है और घर के अंदर एक अच्छे से भक्ति का थोड़ा माहौल है। तो देखते हैं अंदर और चलते हैं। से वैसे तो बर्फ थोड़ी सी कम हो गई है, सो यू हैव अ ब्रीदिंग स्पेस ऑन द रोड्स एज वेल, सो आप वॉक कर सकते हैं इजीली, वरना यहाँ पे वॉक करना भी बहुत डिफिकल्ट था। ऑलमोस्ट आपके पूरे शूज डिप हो रहे थे स्नो में। तो चलो बैठने की जगह थोड़ी ढूंढते हैं और बात करते हैं आगे। हेलो, हाँ भाई, अच्छा पार्टी है?
नहीं यार, मैं तो ना ग्रोसरीज लेने मेट्रो मॉल आया था। हाँ ठीक है, ओके बाय। सो वेलकम बैक गाइज। सो माई नेक्स्ट पॉइंट इज बी अनफेथफुल टू अदर्स अ लिटल बिट। आई नो सुनने में बहुत ही रूड लगेगा और बहुत ही गलत लगेगा कि आप अनफेथफुल हो रहे हो सामने वाले के साथ, लेकिन आपकी मेंटल हेल्थ के लिए थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ही ज़रूरी है। अच्छा बाय द वे, पीछे BMW देख रहे हो, यहाँ पे ये कॉमन है। यहाँ पे बीमर चलना बहुत ही कॉमन बात होती है, यहाँ पे हर दूसरे बंदे के पास अगर कोई कार है तो वो BMW ही है। सो कमिंग बैक टू द वीडियो, बीइंग अनफेथफुल का मेरा मतलब ये नहीं है कि आप उसको कुछ ऐसा झूठ बोलो या ऐसा कुछ हार्म करो जिससे कि आप उसके लिए कुछ ऐसा नुकसान कर रहे हो कि उसका पर्सनल कुछ लॉस हो जाएगा। नहीं, मेरा मतलब बस ये है कि बीइंग अनफेथफुल इस तरीके से ताकि आप अपनी मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब करते हुए सामने वाले के लिए कोई हेल्प नहीं कर रहे हो, लाइक आउट ऑफ द वे नहीं जा रहे हो। आई नो कि कई बार आउट ऑफ द वे जाना पड़ता है, लेकिन मेरा लेसन 2021 में यही रहा है कि जब जब मैंने आउट ऑफ द वे जाने की कोशिश करी है, वहाँ पर सामने वाले ने या तो उस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं किया या फिर वो चीज़ इतने अच्छे तरीके से निकल के नहीं आई है, उतना अच्छा आउटपुट नहीं निकल के आया जो मैंने सोचा था अच्छे इंटेंशन से कि मैं करूँगा, लेकिन वो शायद हो नहीं पाया। सो मेरा कहने का मतलब बस यही है कि हेल्प अदर्स, लेकिन एक लिमिट में रह के अपनी बाउंड्रीज को समझते हुए, अपनी मेंटल हेल्थ, अपनी पर्सनल रिस्पेक्ट को पहले रखते हुए, देन हेल्प अदर्स, और तब आई थिंक इट कैन लीड टू बेटर रिजल्ट्स, इट कैन लीड टू बेटर रिलेशनशिप्स। थैंक यू। सो हे गाइज, वेलकम बैक, एंड आई एम सॉरी दैट आई कुड नॉट अपडेट यू यस्टरडे, इट्स द नेक्स्ट डे after I have came from the ISKCON. So I hope that you have liked the Radhe Krishna vibes there. वहाँ पर जो भजन हो रहे थे, कीर्तन हो रहे थे, वहाँ पर प्रसाद भी बटता है। तो अगर आप भी विनित्सा में हैं तो प्लीज़ विजिट द ISKCON टेम्पल, वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिव हैं। और वहीं से मैं अपना एक थर्ड लेसन आपको बताना चाहूँगा जो मैंने सीखा, कि बी हम्बल टू एवरी वन, टू योर सेल्फ स्पेशली। अपने आप को ज़्यादा हर चीज़ में इतना फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, एंड बी ग्रेटफुल जो ऑल द रिसोर्सेज जितने भी आपके पास हैं, आपके पेरेंट्स की वजह से, भगवान की वजह से, किसी भी सुपर पावर में अगर आप बिलीव करते हैं उसकी वजह से, जिस भी रीज़न से, कोई तो एक सुपर पावर है, कोई तो एक हम सबसे ऊपर है यूनिवर्स में जो सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, सब कुछ देख रहा है, चाहे वो नेचर हो, चाहे आप उसको अपने पेरेंट्स ही मानते हैं, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट कीजिए, बी ग्रेटफुल। आप इसके लिए जर्नलिंग कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, अपनी डायरी में रोज़ 5 चीज़ें ऐसी लिख सकते हैं कि किस चीज़ के लिए आप ग्रेटफुल हैं, किस चीज़ के लिए आप गॉड को, भगवान को, अपने पेरेंट्स को थैंक यू बोलना चाहते हैं। प्लस अपने पेरेंट्स को रोज़ कॉल कर सकते हैं, अगर आप FMG हैं तो कोशिश कीजिए उनसे रोज़ बात कीजिए, उनसे हम्बल रहिए, रिस्पेक्ट कीजिए उनकी। सो यही थर्ड लेसन है, बिकॉज इतना अनसर्टेन है सब कुछ कि ये नहीं पता है कि कौन कब तक है। ऑनेस्टली आपको अपना नहीं पता, आपको अपने पेरेंट्स का नहीं पता। प्लस जब आप घर जाते हैं तो देखते हैं पेरेंट्स कितने बूढ़े हो रहे हैं, लाइक लिटरली इट हर्ट्स कि आप अभी उनके लिए कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं, प्लस उनकी एज बढ़ रही है, आप चाहते हैं उनके लिए कुछ कुछ करना। तो इसके लिए थोड़ा सा ग्राउंडेड रहिए, हम्बल रहिए, ग्रेटफुल रहिए, एंड आई होप कि थिंग्स विल कम आउट बेटर। ओ तो आ गए आप लोग। सो गाइस, दिस इज इट फॉर दिस वीडियो, एंड आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा। मैंने इस वीडियो में अपने 3 लेसन्स शेयर करे जो मैंने 2021 में सीखे, एंड आई होप आपको ISKCON की वाइब्स, मेरे इस ब्लॉग की वाइब्स थोड़ी सी पसंद आई होंगी और आपने लेसन से कुछ रिलेट किया होगा। आपने क्या सीखा 2021 के अंदर, प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, बिकॉज ये इस वीडियो का पार्ट 1 है। मैं टॉप 6 लेसन अपने बताना चाहता हूँ जो मैंने 2021 में सीखे हैं। इसका सेकेंड पार्ट आएगा संडे को, सो प्लीज़ उसके लिए सब्सक्राइब करके रखिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। स्टे देन, टिल देन, stay happy, stay healthy, and thank you so much. Bye.